हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप तुसी सारे ठीक होंगे। आज दी वीडियो विच मैं थोड़े नाल शेयर करांगी एक बहुत ही अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर अते देखांगे इसनूं आपां किन्ना तरीक्यां नाल अप्लाई कर सकते हाँ ते अपनी स्किन ते इसदा की फायदा मिलेगा आपां नूं। पर वीडियो स्टार्ट करन तो पहला अगर तुसी मेरे चैनल ते न्यू आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करियो अते नाल ही जो बैल आइकन दा बटन है वो भी प्रेस कर दियो, क्योंकि इस दे नाल जो मेरे आने वाली होर वीडियो हन उन्हां दी नोटिफिकेशन भी तुहानूं मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिस मॉइस्चराइजर का मैं थोड़े नाल रिव्यू कर लगी हाँ वह है यूर मॉइस्चराइजर। यह है यूर हर्बल मॉइस्चराइजर रिच इन विटामिन ई। इस विटामिन ई है जो अपनी स्किन वास्ते बहुत बढ़िया है। फोर आर स्किन टाइप ये सारे स्किन वास्ते है, चाहे अपनी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, तो उस लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपनी स्किन ना तो ज़्यादा ऑयली बनाता है तो ना ही ज़्यादा ड्राई करता है। सो इसको आप हर तरह के स्किन वाले इसको अप्लाई कर सकते हाँ। तो इस पीएच बैलेंस है जो अपनी स्किन वास्ते बहुत वधिया है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, सिर्फ 50 रुपी के आपां इन्नी शीशी मिल जाएगी जो अपनी काफ़ी देर चलेगी। सो 50 रुपी के आपां नूं मॉइस्चराइजर मिल रहा है। तो इसको आप किन्ना तरह के अप्लाई कर सकते हो भी मैं वीडियो में शेयर करांगी, अपने फेस भी अप्लाई करके दिखावांगी जिस नाल पता लगेगा कि अपनी स्किन में ऑयली या ड्राई दा नहीं करता। सो वीडियो लास्ट तक देखियो। तो सब तो पहले इसकी पैकेजिंग की गल करते हैं, आपां नूं इस तरह की बोतल में रिसीव होगा एंड इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड इसका ढक्कन इस तरह भी ओपन हो जाता है, पर आपां नूं खोलने की जरूरत नहीं। आपां इतों इस तरह का थोड़ा पंप टाइप दिता है, इसनों आप एक साइड तो इस तरह नीचे करना है तो दूसरी साइड तो इसनों आप इस तरह रिसीव कर सकते हैं अपने फिंगर से जिन्ना भी आप रिसीव करना चाहते हैं। सो इसनों आप ईजली इस तरह अप्लाई कर सकते हैं तो जिन्ना आप कढ़ना चाहते हाँ उन्ना ही आपां रिसीव होगा। सो इस तरह वेस्ट भी नहीं होगा अपने प्रोडक्ट। प्योर मॉइस्चराइजर हर्बल प्रोडक्ट है जो अपनी स्किन वास्ते बहुत बढ़िया है। इस दे विच मोस्टली एलोवेरा एंड खीरा है जो अपनी स्किन नूं बहुत ही सॉफ्ट अते मुलायम बनाउंगे, क्योंकि एलोवेरा भी अपनी स्किन वास्ते बहुत बढ़िया है। अगर आप एलोवेरा जेल अप्लाई करते हाँ तो उस दे लई भी ये बहुत बढ़िया, क्योंकि इस दे विच एलोवेरा भी है एंड इस दे विच खीरे दे इनग्रीडिएंट भी हैं। इस दे विच वाटरमेलन भी है एंड कोकोनट वाटर भी है जो अपनी स्किन नूं सॉफ्ट अते मुलायम बनावेगा एंड रोज़ वाटर भी है जो अपनी स्किन नूं फ्रैश करेगा। सो इस विच जो सारे इनग्रीडिएंट हैं अपनी स्किन वास्ते बहुत वधिया हैं। तो इस विटामिन ए एंड डी भी है एंड ई भी है जो अपनी स्किन वास्ते है बहुत ही जरूरी हैं। मॉइस्चराइजर अपनी स्किन नूं बहुत वधिया तरीके दे नाल मॉइस्चराइजर करता है, जिस दे नाल अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट अते मुलायम बन जाती है एंड अगर अपने फेस से कोई प्रॉब्लम है, पिंपल निकल रहे हैं एंड अपनी स्किन बहुत ड्राई रहती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस एलोवेरा भी है तो उस जो अपने पिंपल हैं वो रिड्यूस होंगे। सो अगर आप मॉर्निंग एंड इवनिंग टू टाइम इसको अपने फेस से अप्लाई करेंगे तो इस अपनी स्किन बहुत फायदा मिलेगा। दसा भी गया कि इसको आप किस तरह अप्लाई करना है, इसको अपने फिंगर से लेना है, फिंगर से लैके आप अपने फेस से इसको चंगी तरह अप्लाई कर लेना है तो अपने फेस में मॉइस्चराइज़ कर लेना है। अगर आप मॉर्निंग टाइम अपना फेस वॉश करते हैं तो अपनी स्किन बहुत ही ड्राई लगती है, तो आप इस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेंगे तो अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट अते मुलायम लगेगी एंड इस अलावा अपने डेली रूटीन मेकअप के लिए भी आप क्रीम की जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड मेकअप करने लगे आप जो प्राइमर तो पहले आप अपनी स्किन मॉइस्चराइजर करते हैं प्योर मॉइस्चराइजर के ही मॉइस्चराइजर कर लेंगे। सो इस अफोर्डेबल प्रोडक्ट के इसको कई तरह के अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने फेस तो अलावा इसको आप अपने पूरी बॉडी से, अपने हैंड से, अपने आर्म से, लैग से भी अप्लाई कर सकते हैं, नैक से भी, जिते भी अपन अपनी स्किन बहुत ही खुश्क ड्राई लगती है आप इस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेंगे तो अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट अते मुलायम बना देगा। सो ये समर ते विंटर दे विच दोनों मौसमों के बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइजर है। ये अपनी स्किन ना तो ज़्यादा ऑयली बनाता है तो ना ही ड्राई बनाता है। सो सारे स्किन वाले इसको ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस इसका 50 रुपी है जो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसकी आपको 3 ईयर एक्सपायरी डेट भी मिल जाएगी तो इसको आप काफ़ी लंबे समय तक अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वांटिटी भी अभी दे सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका टैक्सचर मैं तुम दिखाई हाँ, ये थोड़ा लाइट पिंक कलर का है, थोड़ा लाइट पिंक कलर है इसका और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम है, लिक्विड है थोड़ा, तो इस नाल जो आप अप्लाई करांगे अपनी स्किन पे बहुत ही सॉफ्ट अते मुलायम लगेगी। आपां नूं हुण अपने फेस से भी अप्लाई करके दिखाउणी आ कि इस नाल किस तरह की लुक आएगी और अपनी स्किन पे किस तरह ऑब्जर्व होगा। हुण मैं अपने फेस से इस यूर मॉइस्चराइजर नूं अप्लाई करके दिखावांगी। मैं अपने फेस से कोई मेकअप नहीं किया, कल लिपस्टिक लगाई है तो फेस कला वॉश किया हुआ है, कोई पाउडर क्रीम एंड फाउंडेशन नहीं है फेस से। तो डायरैक्ट फेस वॉश करने तो बाद मैं इस मॉइस्चराइजर नूं अप्लाई करांगी। तो जो मॉर्निंग टाइम आप अपना फेस वॉश करते हाँ तो उस तो बाद अपनी स्किन काफ़ी रुखी अते बेजान हो जाती है। सो उस तो बाद आप इस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। यह भी एक तरीका है इस यूर मॉइस्चराइजर अप्लाई करन दा, फेस वॉश करन तो नॉर्मली आप अपनी स्किन ते इसनूं अप्लाई कर लवेंगे तो इसनूं आप ईजली जिन्ना लेना चाहते अपने फिंगर ते ही लवेंगे
अगर आप कले फेस से अपलाई करना उस हिसाब अगर आप अपने पूरे बॉडी ते आर्म ते नैक ते अपलाई करना चाहते हाँ तो उस क्वांटिटी में आप लै लवेंगे एंड फिंगर ते ही लैके दोनों फिंगर के नाल आप अपने पूरे फेस से अपलाई कर लवेंगे ते अपनी स्किन दे विच छेती ही रज जाएगा। आप देखांगे इस तरह अपलाई करन दे नाल अते इसे लगाउन दे नाल ही अपन बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग होगी, अपना फेस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। सो ये अपनी स्किन दे विच चंगी तरह रज भी जाएगा। सो इस तरह स्किन चंगी तरह मॉइस्चराइजर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इसनों आप इस तरह अपलाई करना है तो स्किन बिल्कुल ही मॉइस्चराइज कर देगा चंगी तरह। तो अपने फेस से एक देख सकते हैं एक ग्लो भी है। सो इस दे नाल फेस से शाइन भी आती है क्योंकि जो अपनी रुखिया तो पे जाने बचा मॉइस्चराइज कर देगा तो अपने फेस से एक तरह की शाइन आ जाएगी। इस तरह देख सकते हैं कितनी छेती अपने फेस में रच गया है तो इस अपने फेस से शाइन भी आ गई है। मेरी स्किन ऑयली है तो अगर मैं इसको अपलाई कर रही हाँ तो अपन इस तरह थोड़ा ऑयली ऑयली लगेगा पर बाद में आप ज्यों ज्यों इसको चंगी तरह अपलाई कर लवेंगे इस तरह बिल्कुल ही इसको अपने फेस के आप रचा लेना है तो यह बिल्कुल ही आपको ड्राई लगेगा बिल्कुल ऑयली नहीं लगेगा ना अपनी स्किन में ड्राई बना है और ना ही ऑयली बना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अपलाई हो गया है एंड ग्लो देख सकते हैं अपने फेस से इस नाल शाइन भी लग रही है। सो गर्मियां तो सर्दियों के लोशन बहुत ही बेनीफिशियल है तो सर्दियों के अपनी स्किन बिल्कुल ही मॉइस्चराइज कर देगा। जो अपनी स्किन रुखी है बेजान हो जाती है तो इस अपनी स्किन बिल्कुल ही मुलायम और सॉफ्ट बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं चंगी तरह फेस में मॉइस्चराइजर अपलाई हो गया है तो स्किन एकदम सॉफ्ट और मुलायम लग रही है इस तरह एंड शाइन भी लग रही है। सो इन्ना अफोर्डेबल प्रोडक्ट है तो यह अपनी स्किन कि वधिया मॉइस्चराइज करता है देख सकते हैं। आप अपलाई करने तो बाद अपना अपने फेस से इस तरह ऑयली ऑयली नहीं लगेगा देख सकते हैं कितने भी नोज़ के राउंड ज अपने गलों पर कितने भी पार्ट से आपको ऑयली ऑयली नहीं लग रहा देख सकते हैं बल्कि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो गई है। दूसरा जो आप नाइट टाइम या डे टाइम अपने आर्म और हैंड की केयर करनी चाहते हाँ तो आप उससे भी इसको अपलाई कर सकते हैं। इस तरह आप अपने हैंड से पूरे आर्म से इसको अपलाई कर लवेंगे तो अपनी नैक पर भी अपलाई कर सकते हैं। पूरी बॉडी से आप अपने स्किन सॉफ्ट बनाने के लिए इस अयूर मॉइस्चराइजर अपलाई कर लवेंगे। सो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जो अपने फेस के लिए भी वर्क करेगा एंड अपनी बॉडी लिए भी। इस नाल जो अपने हैंड बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे अगर आप टू टाइम मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर करते समय इस मॉइस्चराइजर अपलाई करांगे तो आपको अपने हैंड अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम लगेगी देख सकते हैं कि एकदम शाइन भी लग रही है अपनी बॉडी पर एंड सॉफ्ट और मुलायम भी स्किन हो जाती है। इस नाल अपनी डे टाइम अपलाई करने तो बाद फेस वॉश अपलाई करने तो बाद इसको अपलाई करने अलावा भी अगर आप डेली रूटीन हल्का फुल्का मेकअप करना चाहते हाँ कोई क्रीम अपलाई करते हैं तो आप उस क्रीम की जगह पर इस अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर में अपलाई कर लवेंगे तो उस तो बाद आप हल्का जहा कंपैक्ट लगा लवेंगे तो मैं थोड़ा कंपैक्ट लगा के भी दिखाई हाँ कि इसको आप सैट करके अपना हल्का फुल्का मेकअप भी कर सकते हैं जिस दे नाल एक क्रीम का भी काम करेगा अपना। अगर आप ऑफिस स्कूल कॉल जा रहे हाँ तो आप इस तरह इस मॉइस्चराइजर में अपलाई करके कंपैक्ट लगा के अपना हल्का फुल्का मेकअप कर सकते हैं डेली रूटीन का क्योंकि डेली रूटीन आप फाउंडेशन अपलाई नहीं करते क्रीमी अपलाई करते हैं। सो एक क्रीम का भी काम करेगा इसने एक तो अपनी स्किन सॉफ्ट और मुलायम होगी अपनी स्किन मॉइस्चराइजर भी रहेगी तो इस तरह अपने मेकअप का भी यह काम कर देगा एंड देख सकते हैं कंपैक्ट लगाने वाले बिल्कुल भी सैट भी हो गया है तो इस तरह ही लग रहा है कि आप अपने फेस से अपना हल्का फुल्का मेकअप किया है कट लगा के अपने फेस का मेकअप तो हो गया तो आप आई मेकअप करना चाहते हैं हल्का फुल्का ब्रश लगाना चाहते हैं तो उस तरह लगा सकते हैं एंड डेली रूटीन का मेकअप कर सकते हैं। हम मैं तुम्हें हल्का जहा मेकअप करके दिखाई हाँ कि कहो जी लुक लगेगी एंड तुम देख सकते हो मेरे हल्के फुल्के मेकअप की लुक में बस कजल ही अपलाई किया है कोई आई मेकअप नहीं किया हल्का जहा ब्रश लगाया है तो होर कोई मेकअप नहीं किया तो मेरे डेली मेकअप रूटीन रेडी हो गया है। सो इस योर मॉइस्चराइजर अगर आप डेली रूटीन मेकअप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हाँ आप हाउस वाइफ हाँ तो आप नॉर्मली अपना हल्का फुल्का मेकअप करना चाहते हाँ वह भी कर सकते हाँ। सो कोई क्रीम अफोर्डेबल क्रीम की जगह आप इस मॉइस्चराइजर अपलाई कर सकते हाँ।
सो देख सकते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने समय भी आप इस तरह का हल्का फुल्का मेकअप कर सकते हैं। कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया फिर भी इस मॉइस्चराइजर के नाल कंबैक्टर लगा के आप अपने मेकअप के लुक दे सकते हैं। हाँ, एक तो अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर अप्लाई हो जाएगा तो सारा दिन तो अपनी स्किन पर अप्लाई रहेगा, तो जो इसे ये इनग्रीडियंट हैं वह बहुत बेनीफिशियल हैं तो अपनी स्किन में बहुत लाभ देंगे। एंड इस तो अलावा अगर आप पार्टी मेकअप भी करना चाहते हाँ तो आप फाउंडेशन तो पहला प्राइमर लगाते हैं, तो प्राइमर तो पहला अपनी स्किन चंगी तरह मॉइस्चराइजर करते हैं। सो आप मॉइस्चराइजर जगह पर इस यूर मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर लवेंगे, बहुत अफोर्डेबल है एंड वधिया है स्किन वास्ते, स्किन चंगी तरह मॉइस्चराइजर कर देता है। तो उस तो बाद आप प्राइमर अप्लाई करेंगे एंड फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो अपना फाउंडेशन बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाएगा क्योंकि अपनी स्किन बहुत वधिया तरीके मॉइस्चराइजर होगी। तो अपने मेकअप के भी आप मेकअप बेस वजो इस यूर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके कई फायदे हैं, पूरी बॉडी भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस से डेली रूटीन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पार्टी मेकअप लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस 50 रुपी के आप इस कई तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी क्वानटिटी भी आप दे सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो चलेगा भी काफ़ी। सो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। तो सो मेरे तो यह मॉइस्चराइजर वधिया लग्या, तो मैं कई सालों तो इस अप्लाई कर रही हाँ। सो तुम भी इसको खरीद सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है एंड कई तरह के आप इस अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल ही होगी। सो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।